नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। साल 1999 में हुई कारगिल की जंग के इस साल 26 जुलाई को 25 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले उसी महीने की 4 जुलाई को ऐसी घटना घटी जिसके बाद ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों के छक्के भारतीय जाबाजों ने छुड़ा दिए थे। 26 जुलाई को हर साल भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे सैनिकों की बहादुरी, शौर्य व अदम्य साहस की याद दिलाता है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। हिंद के सिकंदर के इस खास प्रोग्राम में भारतीय सैनिकों की वीरगाथा को एक बार फिर याद करते हैं। में अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें से सबसे कठिन युद्ध भारत ने भी लड़ा, वो था भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध। ये वो युद्ध था जब दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वो तेवर देखे जिनसे वो दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकता था। इस युद्ध के लिए पाकिस्तान ने भारत लाहौर बस सेवा के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारत की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ करने के लिए कारगिल क्षेत्र में ऊंची चोटी को चुना। भारतीय सीमा के अंदर 3 मई 1999 को पहली बार पाकिस्तानी सैनिकों को देखा गया, जब एक चरवाहे ने अपने जानवरों को देखने के लिए ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा तो कुछ हथियारबंद युवा पठानी सूट में उसे नजर आए, जिसके बाद इस चरवाहे ने यह जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों को दी। उसके बाद 5 मई को भारतीय जवानों को वहां भेजा गया। इस दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। 5 जवानों की शहादत के बाद ही इस जंग का आधिकारिक आगाज हुआ। भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता के सामने स्पष्ट किया कि वो पाकिस्तान की गद्दारी का जवाब जरूर देंगे। फिर भारतीय सेना ने 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। कारगिल गगनचुंबती पहाड़ियों में भारत के खिलाफ एक बेहद संगीन साजिश ने बंकर बना लिए थे और इन्हीं बंकरों की हरकतों ने कारगिल को अजीब सी सनसनी से भर दिया था, जिसकी हलचल ने दिल्ली की रायसीना हिल्स में भूचाल ला दिया था। कारगिल पर हुई पाकिस्तान की यह घुसपैठ कितनी बड़ी थी, इसका जायजा लेने के लिए सेना की कई टुकड़ियां उस इलाके में भेजी गई। पूरी सावधानी के साथ सेना के जवान इलाके में चल रही दुश्मन की हरकतों को भापने के लिए घुसे। सेना की बढ़ती गतिविधियों को देखकर घुसपैठिए सतर्क हो गए। घुसपैठियों ने यह बात अपने आकाओं को इस्लामाबाद में बताई। अपनी ओर बढ़ते खतरे से डरकर घुसपैठ को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान की ओर से तोप के गोले कारगिल जिला मुख्यालय में बने सेना के आयुध भंडार में गिरे। पूरा इम्यूनिशन डिपो जलकर खाक हो गया। करीब 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ।
अगले 24 घंटे में तो सीमा पार से द्रास, ककसर और मुस्को इलाके से और कई घुसपैठियों ने सीमा पार कर लिया। मई के मध्य में भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में मौजूद जवानों को कारगिल जिले की तरफ रवाना किया और 26 मई को भारतीय सेना की मदद करने के लिए वायुसेना ने दुश्मन के कब्जे वाले पोजीशन पर गोले गिराने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने अंजा मिसाइल से एक MiG-21 और MiG-27 को मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को बंधक बना लिया गया। इन्हें 3 जून 1999 को बतौर युद्ध बंदी रिहा किया गया। 28 मई को पाकिस्तान ने वायुसेना को MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। उसमें मौजूद 4 भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे। एक जून 1999 को पाकिस्तानी सेना के तोप के गोले लगातार NH-1 पर गिर रहे थे। इस शेलिंग की वजह से लद्दाख बाकी देश से कट गया था। भारतीय सेना कारगिल में चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा ना सके। इंडियन आर्मी के हथियार, मेडिकल सप्लाई और रसद लद्दाख तक पहुंच ना सके। कारगिल में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई करीब 217.4 किलोमीटर है। यह सड़क श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, दुनिया की सबसे ऊंची रणनीतिक सड़क। इसमें 2 ही लेन है। खराब भौगोलिक स्थिति और पतली सड़क होने की वजह से यहां पर ट्रैफिक धीमी ही रहती है। पाकिस्तानी फौजी हाईवे के सामने की तरफ ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे, वहां से गोलीबारी कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी तोपों के गोले लगातार इस सड़क को टारगेट कर रहे थे। भारत सरकार के लिए इस हाईवे को बचाना बेहद जरूरी था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स और सेना के जवानों ने जान की परवाह ना करते हुए NH-1 के सामने के सभी पोस्ट को जून मध्य तक पाकिस्तानी घुसपैठियों से छुड़ा लिया था। 6 जून को भारतीय सेना भयानक हमला किया। 9 जून को बटालिक सेक्टर की 2 महत्वपूर्ण चोटियां सेना के कब्जे में वापस आ गई। जून को परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान की बातचीत को सार्वजनिक किया गया। 13 जून को भारतीय सेनाओं ने द्रास में तोलोलिंग पर कब्जा जमा लिया था। इसमें इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चोटी पर सेना का वापस कब्जा हो गया। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास के तोलोलिंग को वापस हासिल कर लिया था। सभी घुसपैठियों को मार गिराया गया। 2 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा कि वो तुरंत अपने सैनिकों और घुसपैठियों को वापस बुलाएं। 29 जून तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता रहा। इधर भारतीय सेना पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देती रही। भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर हमला बोल दिया था। और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना 3 रेजिमेंट सिख, ग्रेनेडियर्स और नागा ने
टाइगर हिल पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को धूल चटा दी। 12 घंटे चली लड़ाई के बाद टाइगर हिल पर वापस कब्जा किया गया। 5 जुलाई 1999 नवाज शरीफ ने हार मानते हुए अपनी सेना को वापस बुलाया। 7 को भारतीय सेना ने बटालिक के जुबार हिल पर अपना कब्जा वापस जमा लिया। वहीं पाकिस्तानी फौज और घुसपैठिए दुम दबाकर भाग चुके थे और 14 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के पूरा होने की घोषणा की गई। दरअसल शिमला समझौते के बाद ये तय हुआ कि कारगिल जहां सर्दियों में तापमान -30 से -40 डिग्री चला जाता है, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अक्टूबर के पास अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर वापस आ जाती थी। इसके बाद मई जून में दोबारा अपने अपने पोस्ट पर जाती थी। ऑपरेशन बद्र में रची गई साजिश के तहत 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेनाएं वापस लौटी तब पाकिस्तानी सेना ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इसके साथ ही घुसपैठिए भारतीय पोस्ट पर कब्जा करके बैठ गए। मुशर्रफ का प्लान था कि उनकी सेना लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा कर लेगी, जिससे सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा कर सके। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के वीर सपूतों ने पानी फेर दिया। कारगिल युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ रहा था। हालांकि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बाद में पाकिस्तान ने सम्मानित भी किया। इन्हें हार मिलने के बाद मेडल से नवाजा गया, जिससे पाकिस्तान का दावा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। वहीं भारत ने कारगिल युद्ध के बाद रक्षा क्षेत्र में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने का फैसला लिया।